कैथल विधानसभा सीट से जय महाभारत पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप राणा ने भी ताल ठोक दी है। पेशे से पहलवान प्रदीप राणा को ग्रामीण और युवा मतदाताओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है। जय महाभारत पार्टी सभी को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का वायदा कर रही है। बुढ़ापा पेंशन और विकलांग पेंशन 7100 रुपए प्रति महीना देने की बात भी कही जा रही है। कन्या के विवाह में सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का सहयोग देने का वायदा भी किया जा रहा है। आइए जरा प्रदीप राणा की बात सुन लेते हैं। हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है सर, वो फ्री एजुकेशन, बड़े फ्री मेडिकल, जो युवा और नौकरियों का जो बीजेपी सरकार ने एक जो फ्रे फैलाया है, हमारी सरकार उसको करके दिखाएगी सर। जो बीजेपी सरकार बोर्ड बोर्ड गाड़ रही है अपने, करना कुछ है नहीं। आप देखो आज के बिल, बिजली के बिल हो गए, नौकरियों को तो छोड़ ही दो, बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है सर, इसका कोई हल नहीं है। और जो आगे आने वाला भविष्य है, मोदी सरकार को देख के, मोदी को देख के जो वोटे मिली थी हरियाणा सरकार ने आके क्या किया है। हमारी पार्टी सर आते ही 7100 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 5 लाख कन्या विवाह के लिए जी, और जो अपना हैंडीकैप है सर उनके लिए 7100। कहीं पे विकास नहीं। आप कैथल के सीवरेज, पानी की समस्या, एजुकेशन, मेडिकल कहाँ पे है सर? हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। अभी सारा जो कैथल के युवा हैं उन्हें भाइयों ने विश्वास दिला के आगे लाए हैं। उन्होंने बोला था कि भाई टिकट लाओ, आपको लड़ना है, वो सभी मेरे साथ है, बढ़िया समर्थन से है। मेरा गांव पाड़ला मेरे साथ है, हर जगह बढ़िया आ रहा है जी। फ्रांस वाला, गढ़ी, पाड़ला, संगर, जितने भी मेरे गाँव हल्के के गाँव हैं, हर जगह बढ़िया समर्थन है जी। 7 तारीख को हमारा सिंबल आ जाएगा, उसके बाद बहुत बढ़िया रुझान आने की उम्मीद है। लक्ष्य यही है सर, मेरे युवा बढ़िया खिलाड़ी, मैं भी पेशे से पहलवान हूँ जी, बढ़िया नौकरियाँ, बढ़िया एजुकेशन, जो मेरा युवा वर्ग है हर तरह से अपने ऊपर सक्षम हो। पेशे से पहलवान है, खिलाड़ी हैं जी, जो हमारे शहर में बेरोजगारी चल रही है, उसके बाद कोई नौकरी नहीं मिल रही जी। मजदूर तबके के लोग आते हैं, बाइक से जैसे आते चलान बढ़ा दिए, चलान के रेट इतने बढ़ा दिए हैं, उससे गरीब मजदूर का जो परेशान है, इसीलिए बीजेपी पार्टी ने जो मतलब करप्शन फैलाई हुई है जो, उसको देख के हम सब साथियों ने भाई को सहयोग दिया है कि इलेक्शन लड़ा जाए। उसके बाद आज सुबह एक जिला खेड़ा, गढ़ी, फ्रांसवाड़ा और संगण से भाई को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और मंडे को सिंबल आ जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर शुरू करेंगे, उससे भाई का रुझान और बढ़ेगा। उसके बाद भाई को मतलब तन मन धन से पूरा सहयोग है, और जितनी पार्टी बुजुर्गों का बहुत सहयोग मिल रहा है हमें। आज अभी तक हम 5000 वोटों से लीड में हैं हमारे आइडिया से। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल विधानसभा के रिजल्ट के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।